जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 40, 47, 48, 49, 50 पर चर्चा करेंगे। यावान अर्था उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। अर्थात जिस प्रकार एक बड़े जलाशय में उपलब्ध पानी से सभी छोटे जल स्रोतों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति वेदों के उद्देश्य को जान लेता है उसके लिए वेदों के सभी उद्देश्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से श्री कृष्ण पर निर्भर हो जाता है और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से वेदों में बताए गए सभी उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए वेदों के कर्म कांड उसके लिए अनिवार्य नहीं रह जाते क्योंकि वह परम ज्ञान में स्थित हो गया है और श्री कृष्ण की कृपा पर पूरी तरह निर्भर है। कर्मण्ये वा अधिकारेस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फल हेतु भूत मा ते संगोस्त्वा कर्माणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल की प्रेरणा से कर्म मत करो और ऐसा भी न हो कि व्यक्ति अकर्म में लग जाए। अर्थात अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सीधे सीधियो स्मो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग और कर्म योग के बारे में समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि वह योग में स्थिर रहते हुए अर्थात संतुलन की स्थिति में रहकर कर्म योग का कर्म करें। कर्म योग का मतलब है मन की स्थिरता और संतुलन बनाए रखना, चाहे परिणाम सफल हो या असफल। इस प्रकार योगी व्यक्ति अपने कर्म में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगा रहता है लेकिन कर्मों के परिणाम पर उसकी स्थिति नहीं बदलती। दुरेण हया वरम कर्मा बुद्धि योग धनंजय बुधो शरणम अनविच्छा कर्पणा फल हेतु। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि बुद्धि योग से न्यूनतम कर्म बहुत दूर है। बुद्धि योग से अभिप्राय है कि जब व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को उच्च आत्मा या ईश्वर की भक्ति में समर्पित करता है तो वह कर्म के प्रति आदर्श दृष्टिकोण अपनाता है। और जो लोग कर्म के फल की आकांक्षा में लग जाते हैं और केवल परिणाम की चिंता करते हैं वे दीन होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर नहीं रखते और केवल संकुचित दृष्टिकोण से काम करते हैं। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही दृष्टिकोण और बुद्धि के साथ कर्म करना आवश्यक है जबकि कर्म के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धि युक्तो जहातिया उभे सुकृता दुष्ट करिते तस्मादो योगाय युज स्वय योग कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति बुद्धि योग से युक्त होता है वह इस जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को छोड़ देता है। इसलिए योग के माध्यम से कर्मों में कुशलता प्राप्त करो। बुद्धि योग से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में लगाता है जिससे वह कर्म के परिणामों को छोड़कर केवल कर्तव्य के मार्ग पर चलता है। हमारे साथ गीता ज्ञान की इस खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।